ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठ अधिपते, आप देवों के भी देव और लोकों के भी स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं श्री हरे, हम आपके शरणापन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोकों के पालक हैं। गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा से कहा। श्री विष्णु बोले, ब्राह्मण, यह वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? यह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री हरि का वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम करके और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड की सारी करतूत कह सुनाए। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और श्री ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, कमल योगिनी, मैं शंखचूड का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सबका कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगत जननी तथा प्रकृति की परमोकष्ट पांचवी मूर्ति है। वह वहां सुंदर रूप से विहार करने वाली, उनके अंग से उद्भूत बहुत से गोप और गोपियां भी वहां निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण अनुवर्तन करते हुए उत्तमोत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप उस समय भगवान शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उनकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो, हम दोनों शंकर की शरण में चलें। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय होकर जाना चाहिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, यों कहकर श्री ब्रह्मा श्री विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। श्री व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति श्री विष्णु श्री ब्रह्मा के साथ उसी समय भगवान शिव के लोक में जा पहुंचे, जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शंकर का दर्शन किया। वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव के पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रहे थे। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर वर्ण अत्यंत गोर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चकोर थी। उत्तमोत्तम मणियों तथा हीरो के हार से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों के युक्त गवाक्ष बने थे, जिसमें वह चित्र विचित्र दिख रही थी। भगवान शंकर की इच्छा से उसमें पगराग मणि जड़ी हुई थी, जिसमें वह अद्भुत सी लग रही थी। वह सैकांत मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्र नील मणि के खंभे लगे हुए थे,
जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रसित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिसमें वह मन को मोह लेती थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवस्थित थी। एक सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किन्नरों से खचाखच भरी थी। उनके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित भगवान शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर श्री विष्णु जी ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमी हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तंबूल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में सवेत चवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्ति व सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वे गुणातीत परेशान त्रिदेव के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छा अनुसार सकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित अजन्मा, आग माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परातत्पर, सर्व सामर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों के युक्त भगवान शंकर को देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में बोले, भगवान, आप दीनों और अनाथों के प्रतिपालक हैं, दीन बंधु त्रिलोकी के आदिश्वर और शरणागत वत्सल हैं। गौरी, हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपके ही अधीन हैं, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। अध्याय 29 व 30। देवताओं का भगवान रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना। भगवान रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्ररथ के लौट आने पर भगवान रुद्र के गणों का, पुत्रों का और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्प भद्र के तट पर पड़ाव डालना तथा दानवराज के दूत और भगवान शिव की बातचीत। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, तदन अंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान मधुर वाणी में बोले। भगवान शिव ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। यह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। उनका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानव राज होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बाल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को कलेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी भगवान रुद्र के समीप आओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ। वह मेरा रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है, हरे, इसलिए मैं भक्तों को वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदन अंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकार हैं, दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। प्रभो, दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्त वत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जना की सी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा
इसमें तनिक भी संशय नहीं है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, महेश्वर के उस अमृत श्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परमानंद हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्राणी पात करके श्री विष्णु वैकुंठ को और श्री ब्रह्मा सत्यलोक को चले आए। संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को लौट गए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपने प्रेमी गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझा कर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है, महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न मैं राज्य वापस ही दूंगा और न अधिकारों को लौटाऊंगा। तुम कल्याणकर्ता भगवान रुद्र के पास लौट जाओ और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दो। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तुम व्यर्थ बकवाद मत करो। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यों कहे जाने पर वह शिवदूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उनसे सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, क्षेत्रपाल, आठो भैरव, आज मैं शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के लिए निमित्त चलता हूँ। आज मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारो स्वामी कार्तिक और श्री गणेश के साथ यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष भरे कवच धारण करके सशस्त्र भगवान शंकर के निकट पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बशकाल, कपिल, दीर्घद्रुट, विकार तम्र लोचन, कलंकर, बलिभद्र, कालजिहा, कुटीचर, बलोमंतम, रणशालग्य, दुर्जय तथा दुर्गम आदि गणनायक, जो प्रधान प्रधान सेनापति थे, भगवान शंकर के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वासु, इंद्र, बाराहो आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, निर्षति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अनन्य ग्रह, प्राकर्मी कामदेव, उग्रदंड, उग्रदंड, कोरट तथा कोटब आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुआगमन किया। फिर स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली की सोभुजा धारण करके भगवान शंकर के साथ चली। वे उत्तम उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे हर्षमग्न होकर हस्ती, नाचती और उत्तम भाव से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय का प्रदान करती थी। उनकी एक योजन लंबी भीषण कार जीव्य लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पगढ़ाल, तलवार, धनुष, बाण एवं योजना विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, एक योजन लंबी शक्ति मुदगर, मूसल, वज्र, खड़ंग, तीर, फलग, वैष्णवास्त्र, वरुणास्त्र, वायवास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र, पर्जास्त्र, पशुपातास्त्र और पर्वतास्त्र, महान प्राकर्मी सूर्यास्त्र, कालकाल, महानाल, महेश्वरास्त्र, यमदंडास्त्र, सम्मोहनास्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अनन्य सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुए थे।
करोड़ों योगिनियों तथा डाकनियां उनके साथ थी। फिर भूत पिशाच कूष्मांड ब्रह्म राक्षस बेताल राक्षस यक्ष किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पशु भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदनंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्र करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। श्री व्यास जी, उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी, शंभु के दूत मुख से रण निमंत्रण सुनाकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा, तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूं कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रात कृत्य समाप्त किए और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानों के राज्य पर अभिषेक करके उसे अपनी भार्य राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उनकी प्रिया तुलसी रोती हुई उनकी रण यात्रा का निषेध करने लगी तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बंधाया। तदनंतर समादृत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों को निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं वे सभी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रार्थित हों। मेरी आज्ञा के धर्मों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हो शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। काल के यो मौर्यो द्रोहार्दो तथा कालको को भी मेरी यह आज्ञा सुना दो, वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए सामग्री से सुसज्जित होकर चलें। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, सेनापति को यो आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उनका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण था, महारथी महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों के अग्रण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 300,000 क्षोहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्प भद्रा नदी तट के छिद्राश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था, वह सिद्ध क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान कराने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तपस्थान कहा गया। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व मलय पर्वत से पश्चिम श्री शैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई लगभग 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उत्तर भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण सुभद्रा और सरस्वती नाम की दो रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्प भद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली हैं और गोमंत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। मुने, उसने पहले शिवजी के पास एक दानेश्वर दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का पक्ष भी नहीं लेते क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं, उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते हैं। देखो, पूर्व काल में श्री ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले प्रलय समुद्र में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ
मधु कैटब का युद्ध भी हुआ था, परंतु पुनः भक्तों के हितकारी उन्हें श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्याक्षुप का वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा, पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में राजेश्वरी जगत जननी का जो शुभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और उन्होंने दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज श्री ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे, तब वे उन देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए। दूत, इस प्रकार श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु आदि देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का अधीश्वर देने के कारण मैं युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक तो जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता, इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी? अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड से मेरी बात कह दो, वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा, मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यूं कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड का वह दूत उठा और उनके पास चल दिया। अध्याय 31 व 34, देवताओं और दानुओं का युद्ध, शंखचूड के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उनके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनाकर निवृत्त होना, भगवान शंकर का शंखचूड के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो श्री विष्णु को प्रेरित करना, श्री विष्णु द्वारा शंखचूड के कवच और तुलसी के शील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड का वध, शंख की उत्पत्ति का कथन। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड के पास जाकर विस्तार पूर्वक भगवान शंकर का यह वचन सुनाया तथा तात्वत उसके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानव राज शंखचूड ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और अपनी सेना को भगवान शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर भगवान शंकर ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सानंद हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणवाद्य बजने लगे, वीरों के शब्द कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने, इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वर्षा पर्वा के साथ लड़ने लगे। विप्रचित्ति के साथ सूर्या का धर्म युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु दम्भ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालासुर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालकेय से कुबेर, मैं से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, काल अम्बिक से वरुण, चंचल से वायु, घटप्रष्ठ से बुध, रक्षाक्र से सनेचर, रत्नसार से जयंत, वर्चा गणों से वसुगण, दोनों रिप्तिमानों से दोनों अश्विनी कुमार, धूम्र से नलकूबर, धुरंधर से धर्म, गणकाक्ष से मंगल, शोभकर से वैणेश्वर, पिपीट से मनंथ, गौमुख से चूर्ण, खड़ग धूम्र संगल, प्रतापी विश्व और पलाश नामक असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों के साथ भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महामणि राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक पृथक वर्णन नहीं किया जा सकता। मुने, उस समय सारी सेनाएं
निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काल्यसुत के तथा वटवृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर चंद्रचूड़ भी रत्नाभरणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदनंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीरभद्र समर भूमि से बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानवराज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल खेल में अपने बाणों के समान काट डालते थे। श्री व्यास जी ने कहा, देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वीरन के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्र दृष्टा, उग्र दंडा और कोटवई ने ही मधुपान किया। अनन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्षमग्न हो गया। तदनंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीप्त अग्नि अस्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णवास्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उन पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय अग्नि की ज्वाला के समान उद्दीप्त होते हुए नारायण अस्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक श्री ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से उसका निवारण हो गया। तदनंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्यास्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यो उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता दानव दर्शक बनकर उन्हें देखते रहे। अंत में देवी ने महान कपोवेश से वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई। वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मातृबुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहुयुद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ ने वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः खड़ा हुआ। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांत नहीं हुआ, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर काली का भूख से विहल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर वहां यो आकाशवाणी हुई, ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र और बचे हैं। ये बड़े उदत हैं, तुम्हें इन्हें अपना आहार बनाना चाहिए। परंतु देवी, संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अवाद्य है, ऐसा निश्चय समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर भद्रकाली ने बहुत से दानों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिवजी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध वृतांत कह सुनाया। श्री व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का यह कथन सुनकर महेश्वर ने उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। श्री सनत कुमार जी बोले, मुने, शंभु तो जीवों के कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला विहारी हैं।
वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदनंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्वज्ञान विशारद स्वयं भगवान शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले। उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। यों व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले भगवान शिव और शंखचूड़ का उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी असाध्य है। तब तत्काल ही उसका विरोध करने के लिए यो आकाशवाणी हुई, शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय त्रिशूल को मत चलाइए। यद्यपि आप क्षण मात्र में ही पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो क्या बात। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए, उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है, जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा, इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व खंडित नहीं होगा, तब तक इस पर जरा भी मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। अतः जगदीश्वर, श्री ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्य पुरुषों के आश्रय रूप शंकर ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार किया और श्री विष्णु को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो भगवान शंकर की इच्छा से श्री विष्णु वहां से चल पड़े। वे तो मायावियों से भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उनसे यों कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले, दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूँ, तुम मुझे भिक्षा दो। दीन वत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा, जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब मैं उसे बताऊंगा, तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसे ओम कहकर उसने स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्री हरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण किया। इसी समय श्री विष्णु ने भगवान शंभु से सारी बातें कह सुनाई। तब भगवान शंकर ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में ले लिया। परमात्मा शंकर का यह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उसने सारी दिशाएं पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्यकालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलय अग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धर्ष कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजो का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शास्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए दुस्साह था। वह एक ही स्थान ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उदत हो गया। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ की थी। उस जीव ब्रह्म स्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शंकर जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर गिरा और उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया।
विप्र महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग में चला गया। उस समय स्वर्ग में दुदुम्बिया बजने लगी, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान शंकर के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और श्री ब्रह्मा, भगवान विष्णु आदि इंद्र सभी देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड भी भगवान शंकर की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पुरु श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। महामुने श्री हरि और माँ लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु भगवान शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड को मारकर उमा शंकर स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार हो शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद हो अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई, सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है, वह आनंददायक, सर्वदुखहारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 39 व 40 श्री विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन, कुपित हुई तुलसी द्वारा भगवान विष्णु को शाप, भगवान शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महत्व का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर सब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड के पास जा पहुंचे और उन्होंने परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड का रूप मनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नंगाड़ा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपनी आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोकों के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका। अपने पति को आया हुआ देख जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन धान्य दे करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी के पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदनंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख सामर्थ और आकर्षण से व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने लगा। वह बोली, तू कौन है? यो डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है? तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुझे अभिशाप देती हूँ। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण, तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया, ये साक्षात विष्णु है। परंतु उसका पतिव्रत नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के समान कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए, क्योंकि तुम पाषाण सैदृश कठोर दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण रूप हो जाओगे। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यों कहकर शंखचूड की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी।
और शोककृत होकर बहुत सी तरह के विलाप करने लगी। इतने में वहाँ भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने समझाकर कहा, देवी अब तुम दुखों को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से इसका श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखकारक होगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था यह उसी तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ। तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गांडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, तुम महाकाल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारिणी देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारत वर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी, तथा श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहाँ तीखी दाड़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि नाम भी होगा। श्री विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष रूपणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत से प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी, तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पात्र को हटाएगा वह भी भार्यहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। महाज्ञानी, पुरुष शालग्राम शिला तुलसी और शंख को एकत्र करके उनकी रक्षा करता है, वह श्री हरि का प्यारा होता है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महत्व का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। उधर भगवान शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति श्री विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी का प्रकाट्य हो गया और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए। मुने, उसमें कीड़े अनेक प्रकार से छिद्र बनाते रहे। उससे जो शिलाएं गंड के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं। जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने भगवान शंकर का सारा चरित्र, जो पुण्य प्रदान करने वाला, मनुष्य की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य व्याख्यान जो श्री विष्णु के महत्व से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है उसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते। अध्याय 40। उमा द्वारा भगवान शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में भगवान शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति, हिरणाक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और भगवान शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरणाक्ष का त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वराह रूपधारी श्री विष्णु द्वारा उसका वध। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी,
अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को स्वीकार किया, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को सुनो। मुनीश्वर अंधकासुर ने पहले भगवान शंकर के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव से उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान शंभु शरणागत तारक्ष तथा परम भक्त वत्सल है। उनका महत्व परम अद्भुत है। श्री व्यास जी ने पूछा, ईश्वरीयशाली मुनीश्वर वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीर्यवान के कुल से उत्पन्न हुआ? दैत्यों ने प्रधान तथा महान मनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसे परम तेजस्वी शंभु की अध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया था तब वह परम धन्यवाद का पात्र है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे माँ पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहाँ उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर माँ पार्वती के साथ रहते हुए वे भक्त जनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उनके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीरागण्य गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी भगवान शंकर मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरजा ने नम्र क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब माँ पार्वती ने मूंगे सुवर्ण और कमल की प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुंद जाने के कारण वहाँ क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। माँ पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदनंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण किया। उसमें एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर क्रोधी कृतघ्न्य अंधा कुरूप जटाधारी काले रंग का मनुष्य से भिन्न बेडोल और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता, कभी रोने लगता था तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। वह अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराकर पार्वती से बोले, महेश्वर ने कहा, प्रिये मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने तो यह कर्म किया है, फिर तुम उससे भव क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहाँ प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का भयंकर रूप ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा, माँ गौरी ने कहा, भगवन मुझे सच सच बताइए, हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और यह किसका पुत्र है? श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यूं प्रश्न किया, तब लीला विहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के इस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके सुनो, जब तुमने मेरे दोनों नेत्र मूंद लिए उस समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्ये इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने
अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर माँ गौरी का हृदय करुणाद्र हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधक को अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगी। तदनंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरणाक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतानार्थ तपश्चर्या करने के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदर हिरणाक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि द्वेषों को छोड़कर अपने काबू में करके ठूंस की भांति निश्चल हो समाधिस्थ हो गया। द्विजेंद्र तब जिसकी ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पीनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले। उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य प्रवर हिरणाक्ष से बोले, महेश ने कहा, दैत्यनाथ अब तुम अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह मैं सब तुझे प्रदान करूँगा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि महेश्वर के उस सारस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरणाक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने ग्रीष के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्मृति की, फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरणाक्ष ने कहा, चंद्रभाल मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उनसे बोले, दैत्याधिप तेरे भाग्य में तेरे बीज से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक ऐसा पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है, वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजेय है। पुत्र रूप से वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि उसे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उस महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरणाक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह महान मनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्रोतों द्वारा भगवान रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी भगवान विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वधर्मक यज्ञमय विकराल वाराह शरीर धारण कर नुथून के अनेक प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी दाढ़ों से तथा थूथन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकाल दिया। उपने वज्र सदृश कठोर प्राद प्रहारों से निशाचरों की सेना को मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी श्री विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरणाक्ष के प्रज्वलित सिर को काट दिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिरिक्त कर दिया और फिर महात्मा इंद्र श्री विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वाराह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्न चित्त हुए समस्त देवों और मुनियों पगयोनी ब्रह्म द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वाराह रूपधारी श्री विष्णु द्वारा असुरराज हिरणाक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। अध्याय 42 हिरण्यकश्यप की तपस्या और भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर उनका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उनका वध
और भक्त प्रहलाद को राज्य की प्राप्ति। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इधर वाराह रूप धारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संघार प्रेमी वीर असुर का प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संघार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकशिपु ने भाई को जतांजलि देकर उनकी स्त्री आदि को ढंडास बधाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया, मैं अजय अमर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एकच्छ मात्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंद्वी कोई न रह जाए। यो धारणा बनाकर वह मंदराचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था, उसकी भुजाएं ऊपर की ओर उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो गया। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने श्री ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। हे व्यास जी, उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर शंभु श्री ब्रह्मा भृगु दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकशिपु ने वर देने के लिए आए हुए पगयोनी ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उसे कहा, वर मांग। तब जिनकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उन असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में भूतल पर दिन में रात में ऊपर अथवा नीचे कहीं भी अस्त्र शस्त्र पाश वज्र शुष्क वृक्ष पर्वत जल अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता दैत्य मुनि सिद्ध किम बाहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, हिरण्यकशिपु के वैसे वचन सुनकर पाघ योनि श्री ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन श्री विष्णु को प्रणाम करके उनसे कहा, दैतेंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है, अतः तप से विरक्त होकर उठ और दानवों के राज्य का भोग कर। भगवान ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिरक्षित कर दिया। तब उन्मुक्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर भगवान विष्णु के पास गए। वहां श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदनंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे, गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़े ही आयुध थी, उसे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी। उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के समान था। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से वे भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर अश्वों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वमय सिंह को देखकर
दैत्यराज के पुत्र प्रह्लाद ने राजा से कहा, यह मंगेंद्र तो जगन्मय दिख रहा है, यहाँ किस लिए आया है? प्रह्लाद ने पुनः कहा, पिताजी मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ये भगवान अनंत हैं और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में आ जाइए, इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने कहा, बेटा क्या तू भयभीत हो गया है? अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्य को आज्ञा देते हुए कहा, वीरो तुम लोग इस बेडोल भ्रुकुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल कर भुन जाते हैं, उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्र शक्ति सृष्टि पाश अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अनेकों भुजाओं के साथ उस दैत्य को पकड़ लिया और अपने जानवों पर टिकाकर दानवों के मर्म को विदीर्ण करने वाले नाखूरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से जिनके सारे अंग चूर चूर हो गए थे उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय देश शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर भक्त प्रह्लाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी श्री विष्णु ने प्रह्लाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्यों पर अभिषित कर दिया और स्वयं आत्कृत गति से प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर ध्यान हो गए। तदन अंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवर, प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, वराह से हिरणाक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और भक्त प्रह्लाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। द्विज श्रेष्ठ, अब मैं भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश के गणाध्यक्ष की प्राप्ति हुई उस कथा का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। अध्याय 43। भाइयों के उपालब्ध से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छार में परवार्थ होना, उनके मंत्रियों द्वारा भगवान शिव परिवार का वर्णन, माँ पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, माँ पार्वती के आवाहन से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, भगवान शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना, भगवान शिव की प्रेरणा से भगवान विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, भगवान शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके भाई कामाशाक्त मंदांध भाइयों ने उनसे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रायोजन है? हिरण्याक्ष तो मूर्ख था जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुझ जैसे कुरूप बेडोल काली प्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो, कहीं दूसरे उत्पन्न हुए पुत्र भी राज्य को पाते हैं। सच पूछो तो निश्चय ही
इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं मुने, उन लोगों की यह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धि पूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम कर देना चाहा। तब श्री ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोककर कहा, दानव तू अपना वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो उसे तू मुझसे ले ले। पगियों ने ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है वे सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाएं, मुझ अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाएं, इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें। देवता दैत्य गंधर्व यक्ष नाग मनुष्य दैत्यों के शत्रु नारायण सर्वमय शंकर तथा अनन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर श्री ब्रह्मा जी आशंकित हो उठे और उनसे बोले, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र ये सारी बातें तो हो जाएंगी किंतु अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में ऐसा कोई प्राणी न हुआ और न ही होगा जो काल के गाल में न गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। श्री ब्रह्मा के अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला, अंधक ने कहा, प्रभो तीनों कालों में जो उत्तम मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रत्न भूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मृत्यु लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर मन और वचन से भी आगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा विनाश हो। उसकी यह बात सुनकर स्वयं भू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरणों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यवर तू जो कुछ चाहता है तेरे वे सभी काम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र अब तू उठ, अपना अभिष्ट फल प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे। मुनीश हिरणाक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसे और हड्डियां ही शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला, अंधक ने कहा, विभो जब मेरे शरीर में नसे और हड्डियां मात्र शेष ही रह गई हैं, भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसल बना दीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उनके शरीर का स्पर्श किया। फिर वे मुनि गणों तथा सिद्ध समूहों से भलीभांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। श्री ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिससे उसमें बल का संचार हो गया। नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसे प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रह्लाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वतवर्षी भृत्य हो गए। तदनंतर अंधक सेना और भृत्य वर्ग को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करद बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागो सुवर्णो श्रेष्ठ राक्षसों गंधर्वो यक्षों मनुष्यों और बड़े बड़े पर्वतों वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। तदनंतर वह रसातल में भूतल पर तथा स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी साथ लेकर विभिन्न पर्वतों तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मंद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका भी कुछ ज्ञान नहीं रह गया था। पर लोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए,
इस प्रकार वह महामनस्वरी दैत्य उन्मुक्त हो गया और अपने सारे प्रधान प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरने लगा। वह धन के मद से अभिभूत हो वेद देवता ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रावृत्त व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गंवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के तीन मंत्री थे जिनका नाम था दुर्योधन, धैदस और हस्ति। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवन अंधक के पास पहुँचे और बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथों में त्रिशूल है। एक विशाल धनुष बाण और तुनीर भी वह धारण किए हुए है। उसका अक्षत सूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके चार भुजाएं, लंबी लंबी जटाएं, वह खड़ग त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए। उसकी आकृति अत्यंत गौर और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उसे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए है परंतु उसका रूप अक्षत है। वह तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैठे हुए तपस्वी के पार्श्व भाग में हमने एक सुभलक्षणा संपन्न नारी को भी देखा। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते मन को मोह लेती है। मूंगे मोती मणि स्वर्ण रत्न और उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें, वह इतनी सुंदर है कि जिसने उसे एक बार देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं में देखने में क्या प्रायोजन। वह दिव्य नारी पुण्यात्मा मुनीश्वर महेश की मन्या वह प्रीतम भार्या है। दैत्येंद्र अब तो उत्तम उत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलाकर देखिए। वह आपके भी देखने योग्य है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा तथा बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तरण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य स्थिर है। वह दानव कृपाण सत्वहीन क्रूर कृतघ्न और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है? यहाँ तो मैं मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी संतत्र कर देने वाला युद्ध और कहाँ वह वानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह रूप और कहाँ तेरी मदभंगता। तेरी सेना भी तो कहीं के बराबर है। फिर भी यदि तुझ में कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर तू अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र सरीखा भयंकर शस्त्र है और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत होता है वह कर। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, मंत्रियों की यह बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुए कामांध राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया
और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मंजा, मांस और रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्यातप्त हो गए थे, जिससे वह बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या देवी सती को भली भांति धीरज बनाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पशुपात व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ, यह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी, मरण धर्मा प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ, यह मानो पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया। अतः है अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं मुने। इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पशुपात व्रत के लिए अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति से बाहर है। इधर शील गुण से संपन्न देवी पार्वती मंदराचल पर ही रहकर भगवान शिव के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरगण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मत्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिनका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, उसे मुख्य योद्धाओं के साथ ले पुनः गुफा पर चढ़ गया। वहां सैनिकों सहित उनके वीरगण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिनों तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों ने प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिसे वे गुहद्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गई। उनके गिरने से गुहा का दरवाजा ही ढक गया, जिसे उनका खोला जाना भी असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीरगण को अपने शस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का स्मरण किया। स्मरण करते ही श्री ब्रह्मा, नारायणी, इंद्री, वैश्वरी, यम्या, वरुणी, वयवी, कावेरी, यक्षेश्वरी, गरुड़ी आदि सभी देवियों के रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्ध, ग्रहाक आदि शस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो माँ पार्वती के पास आ पहुँचे और राक्षसों से भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदनंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देख भूतनाथ शिव जी उनको निगल गए। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। श्री व्यास जी ने कहा, अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुरहंता भगवान शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शस्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिवजी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से यूथ के यूथ अंधक प्रकट हो गए। उसने सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के सैदृश ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजा रूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रमथनाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री का रूप धारण किया, जिसका मुख विकराल था और रूप उग्र विकराल और कंकाल मात्र था। वह स्त्री शंभु के कान से निकलता था। उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया। तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि से प्रेरित किया। फिर तो वे कुष्ठार्त होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों के तथा
दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगी, जिसमें राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। तदनंतर एकमात्र अंधक ही बच गया। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि अपने कुलोचित सनातन क्षेत्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से वज्र सदृश जन्वों और चरणों से वज्राकार नखों से मुख और सिरों से संग्राम करता हुआ प्रमथनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीर्ण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल घोंप कर उसे स्थाणु के समान ऊपर उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे की ओर लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विदीर्ण कर दिया। फिर तो उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिवजी का स्तवन किया। तब करुणा के आगाध सागर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान किया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सारंग भृत स्त्रोत्रों द्वारा विधि पूर्वक भगवान शंकर की अर्चना की। हर्षित हुए भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तमोत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदनंतर भगवान शंकर उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमुदित हुए गिरिजा कुमारी के साथ उत्तमोत्तम लीलाएं करने लगे। अध्याय 44 व 46 नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और भगवान शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना। भगवान शिव के द्वारा उनका नाम शुक्र रखा जाना। शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवास्तोत्र शतनाम स्त्रोत्र का वर्णन। शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान करना। श्री व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान श्री सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चलता रहा, उस समय त्रिपुरारी भगवान शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था, यह घटना कैसे? संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया? भगवान शंभु की जठाराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे, वे शंभु के जठार पंजर में कैसे निकल गए? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की? तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला विहारी देवादि देव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणा अध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिव लीला अमृत सुनने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी श्री व्यास जी, इन वचनों को सुनकर श्री सनत कुमार भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वर, भगवान शंकर के प्रथमों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य की शरण में चला गया और गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी भगवान शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर के साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतः अभ्यास्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल
और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट होता है, उसी प्रकार वे उठकर खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रथमों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रथमों ने जाकर भगवान शिव को यह समाचार सुनाया। तब भगवान शिव ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच जो द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लावा को उठा ले आता है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वृषभ ध्वज के यो कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहाँ समस्त दैत्य हाथों में पाश खड़ग वृक्ष और पत्थर पर्वत खंड लिए खड़े हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्य को विशुद्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठा ले आता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे पीछे दौड़े। जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र त्रिशूल तलवार परसा बरेठी और गोफान आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम में विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया। उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिवजी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें नवोदित करते हुए बोले, भगवान ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवादि देव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिराज ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सींगहीन सांड, मस्तकहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उधमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उधम पत्नी रहित स्त्री, फलवर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधिका ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूर वीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों, जो रणगंगा छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी काली माँ से मलिन हो जाती है। उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ रण तीर्थ में आवागहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान दान और तप की क्या आवश्यकता, अर्थात इसका फल रणभूमि में प्राण त्यागने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्य राज के इस प्रकार वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गणों पर टूट पड़े और उन्हें पत्थर मारने लगे। बाण खड़ग वज्र सरीखे कठोर पत्थर शुशुंडी भिंडीपाल शक्ति भाले परसे खटवांग पटिश त्रिशूल लकुट और मूछलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मार काट करने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक स्कंद नंदी सोमनंदी वीर नागमय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रथमों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्होंने रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक श्री ब्रह्मा नारायण इंद्र आदि और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रथमासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक भगवान शिव की खुशी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र दिखा नहीं पड़ा। जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी से छिद्र को नहीं देख पाती, भृगुनंदन ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जाप किया।
उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठार पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग के द्वारा बाहर निकले। तब उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया, गौरी उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदनंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंद शुक्राचार्य को बीज के रास्ते बाहर निकलते हुए देखकर मुस्कुराते हुए बोले, महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, तुम मेरे पुत्र होगे। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, देवेश्वर शंकर के यो कहने पर सूर्य के सादृश कांतिमान शुक्र ने पुनः भगवान शंकर को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं, आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में आप स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना को पूर्ण करने वाले तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने भगवान शंकर की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी ओर से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। हे व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में भगवान शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल लिया, वह वृतांत तो मैंने तुम्हें सुना दिया। अब शंभु जी के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जाप किया था उसका वर्णन सुनो।